हेलो जी, राम राम, शस्त्रकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। वेलकम टू आवर चैनल बाबा वर्ल्ड एसके में। तो फिलहाल हम राजकोट का सफ़र कर रहे थे, तो इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं राजकोट में आए हुए दो डैम के बारे में, जिसका नाम एक ही है, न्यारी डैम। पर ये जो डैम है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिसलिए उसे कहा जाता है न्यारी डैम 1 और न्यारी डैम 2। दोनों डैम सिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो शुरुआत हम करेंगे न्यारी डैम 2 से, क्योंकि फ़िलहाल हम वहाँ आ चुके हैं, सुबह का टाइम है। और इसी जगह पे एक काफ़ी प्राचीन और पुराना मंदिर है, और बहुत फेमस मंदिर भी है, जिसे कहा जाता है हनुमान धारा मंदिर। अभी शुरुआत हम आपको करेंगे मंदिर के दर्शन कराने से, और वीडियो के आगे जाके हम बताएंगे आपको कि इस मंदिर की महिमा क्या है, यहाँ की हिस्ट्री क्या है। और वीडियो के अंत तक हम आपको बताएंगे न्यारी डैम 1 का सफ़र, वहाँ की जर्नी, और वो कैसा डैम है, वहाँ कैसा विजुअल है, वो सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगे, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि कई सालों पहले यहीं के कुछ लोगों को हनुमान भगवान की मूर्ति, जो यहाँ पास में नदी है जहाँ डैम बना है, वहीं पाई गई थी। हनुमान भगवान की इस मूर्ति को किनारे पर लेकर आने के बाद उनका ये मंदिर बनाने में आया है। वीडियो में आपको हम जो दिखा रहे हैं हनुमान जी की तस्वीर, वो दरअसल सिर्फ उनका सर तक का भाग है, मतलब जो शरीर का उपला भाग, सिर का भाग, हेड। और कहा जाता है कि उनकी मूर्ति काफ़ी विशाल है, उनका जो धड़ का भाग है, पूरा बॉडी पार्ट है, वो अभी ज़मीन के अंदर काफ़ी दबा हुआ है। कई मान्यता इस तरह से भी है कि जब हनुमान जी की पूछ में आग लगाई गई थी लंका में, तो लंका जलाने के बाद वो अपनी पूछ की आग बुझाने यहीं की जो नदी है वहाँ आए थे, और नदी में अपनी पूछ डुबाकर उन्होंने अपनी आग बुझाई थी। तो इस तरह से कई सारी बातें हैं, कई सारे मान्यता है इस मंदिर को लेकर। अगर आपके पास इस मंदिर को लेकर कुछ विशेष नॉलेज है, कोई विशेष आपके पास ज्ञान है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुत्ते लोग, आज संडे का दिन है, फिर भी हमें यहाँ पे एक भी इंसान देखने को नहीं मिला, क्योंकि हमने जो वीडियो बनाया है वो गर्मियों के सीज़न में बनाया है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप सभी को कि आप यहाँ पर बारिश में या सर्दियों के सीज़न में आए, ताकि यहाँ का जो नज़ारा हो वो देखने लायक हो, क्योंकि गर्मियों में यहाँ जो नदी है वहाँ का पानी सूख जाता है। पर अगर बारिश ज़्यादा हो तो ध्यान रखें अपनी सेफ्टी पहले, और फिर ही यहाँ पर आना आप डिसाइड करिएगा।
हेलो जी, राम राम, सत श्री अकाल, कैसे आप सब। तो अभी हम आ चुके हैं न्यारे डैम वन पर। वीडियो के शुरुआत में हमने आपको जो डैम दिखाया था हनुमान धारा पे, वो था न्यारे डैम टू। न्यारे डैम वन जो है वो काफ़ी हद तक एक पिकनिक स्पॉट की तरह भी माना जाता है, क्योंकि अपनी फैमिली के साथ यहाँ के सिटी के काफ़ी लोग सुबह आते हैं सनराइज़ देखने या फिर शाम को सनसेट देखने आते हैं। और ये एकदम बीच जैसा भी आपको लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चलती है, तो आपको सेम फील जुहू चौपाटी पे बैठते हैं सेम वैसा ही फील आएगा। काफ़ी सारे टाइप्स के बर्ड्स पक्षियाँ आपको देखने मिलेंगे यहाँ पर। और जो लोग फोटोग्राफी लवर हैं, सिनेमाटोग्राफी लवर हैं, उनके लिए तो बेस्ट स्पॉट है ये। अगर आप प्री वेडिंग शूट करना चाहते हैं तो अभी आई वुड रिकमेंड यू टू विजिट दिस प्लेस। और सिटी से काफ़ी पास में भी है ये, कालावाड़ रोड से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो राजकोट में मुझे नहीं लगता इससे बेटर जगह कोई आपको मिलेगी फोटोग्राफी के लिए, पिकनिक के लिए, सिनेमाटोग्राफी के लिए या प्री वेडिंग शूट के लिए। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप न्यारे डैम वन एक बार ज़रूर आइए। मैं बता नहीं सकता यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है। अभी आपको शायद वीडियो में उतना अच्छा व्यू दिखे ना दिखे मुझे पता नहीं, पर यहाँ का वाइब पूरा डिफरेंट है। मतलब अगर आप यहाँ पे आएंगे ना, यू विल फील लाइक यू आर इन पैराडाइज। कोई अलग ही दुनिया लगती है। आइए आपको हम हमारे कुछ दोस्तों से मिलवाता हूँ। और अभी अभी नई नई दोस्ती हुई है, पता नहीं कैसे बिहेव करे आपके साथ, पर कोशिश करूँगा कि काफ़ी फ्रेंडली रहे। हाय, कैसा है? हैं, लव शेक हैंड, पढ़े लिखे हो? नहीं, खाना वाना खाया? नाम क्या है? अबे रुको बे, बिस्किट नहीं मेरे पास,
ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट पहन के आया, सबसे बड़ी गलती है अभी गंदे करने वाले हैं मेरे कपड़े, है ना, करने वाला हूँ गंदे। बोलो, मछली वछली खाई? फ्री में मछली मिलती इधर। ये दूसरे भी आए, आओ आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, ना कर आए। एक हमारा कुत्ता है जो साला नहाता नहीं है, और ये देखो इतना बड़ा स्विमिंग पूल हुआ, कौन नहीं नहाएगा। चलो मिलते हैं, बाय बाय। वीडियो की जब हमने शुरुआत की थी तो हम उस जगह थे, एकदम स्टार्टिंग का जो आपको किनारा दिख रहा है ना उस जगह, और अभी हम चलते चलते, ये जो फुट ट्रैक है यहाँ पे काफ़ी लोग वॉकिंग करने भी आते हैं, तो यहाँ चलते चलते हम इसके मतलब दूसरे किनारे तक आने पहुँचने ही वाले हैं। तो वहाँ अगर आपको दिख सकता हो तो एक छोटा सा आइलैंड जैसा दिख रहा है, और कैमरा की क्लियरिटी में पता नहीं कितना क्लियर दिख रहा हो कि नहीं, पर वहाँ काफ़ी सारे पक्षी मुझे उड़ते हुए दिख रहे हैं, हो सकता है काफ़ी सारी मछलियाँ हो इसलिए, पर ये जो व्यू है ना बहुत ही मस्त है। अब हमने जो वीडियो उतारा है गोप्रो से उतारा है, इसलिए ज़्यादा जूमिंग का मेरे पास ऑप्शन नहीं है, वरना मैं पूरी कोशिश करता कि आपको ये व्यू दिखाता। और यहाँ पे कुछ ऐसा बोट वाला सिस्टम भी नहीं है कि हम बोट से जाके वहाँ बैठ सकें या देख सकें, वरना रियली वो जो व्यू है ना एकदम बेस्ट है। तो सनसेट के साथ ये एकदम पक्षियों वाला व्यू, दिस इज़ टोटली डिफरेंट एंड इनक्रेडिबल, जस्ट वन वर्ड, इनक्रेडिबल। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमने अभी तक जितनी भी जगह हमने एक्सप्लोर की है इस वीडियो में, नेहरी डैम 1, 2 और हनुमान धारा टेम्पल, उन सब जगहों के बारे में कैसे वहां जा सकते हैं वो डायरेक्शंस और स्टेप्स हमने मेंशन कर रखे हैं। फिर भी अगर हमसे कुछ छूट जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आप राजकोट रहते हैं या यहीं के आसपास की कुछ और भी जगह है जो आप जानते हैं और लगता है कि हमें उस जगह के बारे में वीडियो बनाना चाहिए, तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, विल मीट सून, ओके, बाय, जय हिंद।